नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिग ब्रेकिंग न्यूज एक आ चुकी है और उसे लेकर के मैं प्रेजेंट हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं, आप सभी की जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो समाप्त होने जा रही है। जैसा कि हमें सूचना मिली है प्रमाणी सूत्रों से कि यूपी टीजीटी 2021 अभ्यर्थियों के लिए महा खुशखबरी आ रहा है, आपका परिणाम। दोस्तों, आपका परिणाम आने जा रहा है। जैसा कि इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि तैयार रखें अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स। बार बार ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज के पेपर में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे चयनित भाई बहन थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही किया, जिसके कारण उनका चयन रोक दिया गया है। तो आप देख सकते हैं नीचे एक हाईलाइट में लिखा गया कि आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी। बता रहे दोस्तों कि अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं से कोई गलती की तो आपका चयन बाधित हो जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिए, आपका परिणाम जो है केवल एक जो है परिणाम जो आपका है उसमें ये मानकर चलिए कि इंटरव्यू नहीं होना है। अब इंटरव्यू नहीं होना है तो सीधे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपका वेरिफिकेशन चालू होगा और आपको जो विद्यालय हैं वो अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए बार बार इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो है अभी आपके पास सब मिला करके 5 या 6 दिन का समय है, अधिकतम 5 से 6 दिन का समय है। इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे जाकर के आप देख लें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखने हैं और कहां कहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाने हैं, तो वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन पुनः एक बार आप सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ, चाहे यूपी टीजीटी के हों चाहे पीजीटी के हों, जो अफवाह बार बार चल रही है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अन्य यूट्यूबरों पर आप बिल्कुल विश्वास न करें, केवल बार बार वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि उनका जो है टाइमिंग ज़्यादा हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सभी भाई बहन जो है मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, तो आपकी एक गलती जो है कहीं आपके लिए भारी न पड़ जाए, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। और पुनः आप सभी से कह रहा हूँ कि अब जो ये समय चल रहा है, देखिए अक्टूबर चल रहा है और 31 अक्टूबर तक जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाना है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। तो ऐसे में आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं रखेंगे और कहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपको समय नहीं मिलेगा बाबू, बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी भाई बहन जो है अभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी या कहा जा सकता है कि तदर्थों की सीट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। आप इन सारे वीडियो को देखना बिल्कुल बंद करके आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें बाबू, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। हमारे कहने का ये मतलब, आप देख सकते हैं अभी 2016 का जो रिजल्ट आया है उसमें डॉक्यूमेंट्स के कारण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कितने अभ्यर्थियों का जो चयन है निरस्त कर दिया है। तो सब कुछ करने के बाद कहीं आपकी एक गलती भारी न पड़ जाए, इसीलिए बार बार पीएस क्लासेस से ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी मेरिट क्यों कम जाती है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। दूसरा जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी मैंने बता दिया है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा उस वीडियो का, उससे भी जा करके आप देखिए। और सभी भाई बहन तक आप शेयर करें ताकि जिसने भी परिश्रम किया है उसके जीवन में खुशी आ सके, वो भाई बहन चयनित हो सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे प्रमाणित सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारा उद्देश्य है आप तक सही और सत्यपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। दोस्तों, एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।